गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज सुनील सिन्हा फॉर द वीडियो ऑफ क्लास 10. लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग चैप्टर द नेकलेस. द नेकलेस वॉज लॉस्ट, नो? सो वी स्टार्ट आफ्टर दैट. लुइसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर. She turned toward him excitedly. I have no longer have Madame Forestier's necklace. अब लुइसेल जो हैं अनड्रेस्ड हो गए थे, तभी जो चिल्लाहट सुना तो फटाफट वो कहने लगे, क्या बात है, क्यों तुम चिल्ला रहे हो? तो इसकी वाइफ तभी जवाब दे रही है, बहुत ही शॉक होकर के हकला भी रही है, आई हैव नो लॉन्गर मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, नहीं है उसके गले में. ही रोज इन डिसमे, बहुत ही घबरा गया. व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड दे लुक्ड इन अ फोल्ड ऑफ अ ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक एंड द पॉकेट, एवरीवेयर दे कुडंट फाइंड इट. मतलब हर जगह ढूंढा, पॉकेट में ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, बट वो नेकलेस उनको नहीं मिला. ओके, ही आस्क्ड, यू आर श्योर स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. अब उसके हस्बैंड उससे पूछ रहे हैं, क्या तुम पूरा श्योर हो कि जब हम लोग मिनिस्टर के घर से निकले थे तो तुम्हारे गले में था? तो वो जवाब दे रही है, यस आई फेल्ट इट एज वी वेंट आउट. हाँ, मैंने महसूस किया था जब हम बाहर निकले थे. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. अब वो भी कह रहा है कि अगर स्ट्रीट में जब हम वॉक कर रहे थे, अगर वहाँ गिरा होता तब तो हम लोग सुनते उसकी आवाज़ गिरते हुए. तब वो कह रहा है, इट मस्ट बी इन द कैब, मतलब कैब में गिरा होगा. तो वो भी जवाब दे रही, येस इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर, कैब नंबर? नो. एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज? वो भी पूछ रही है, नहीं, दोनों में से किसी ने नहीं नोटिस किया था. नो, दे लुक्ड एट ईच अदर अटर्ड कास्ट डाउन. फाइनली लुइसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फिर से वो ड्रेस पहना अपना. और आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट. अब ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ फिर से देखने उसी ट्रैक पे, उसी रास्ते पे जहाँ हम लोग वॉक कर रहे थे, हो सकता है मिल जाए. एंड ही वेंट शी रिमेंड इन द इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो बेड. उसके इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेड पे जाए सोने के लिए. टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न्ड. He had found nothing. यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि 7 बजे तक वो वापस आए लेकिन उनको कुछ नहीं मिला. ओके, सो ही डिडंट फाउंड एनीथिंग ऑन द वे. ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड. मतलब कि उनसे जितना हो पाया उतना उन्होंने किया. इट मीन्स वो पुलिस ऑफिस भी गया अपना खोया हुआ चीज़ का रिपोर्ट लिखवाने, और कैब के ऑफिस में भी गया, और एडवर्टाइजमेंट भी डाला उन्होंने न्यूज़पेपर में, जिसमें लिखा था कि जिसको भी मिले हमें बताएं और उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा. ओके, शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिवल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर. ये जो फ्राइटफुल डिजास्टर हुआ था उनके साथ, आपदा ही कहेंगे, तो उसमें वो हेल्पलेस थी और वैसे ही रही. लुइसेल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, शाम को वो घर वापस आए. हिज फेस पेल, उसके चेहरे का रंग जो है बहुत ही फीका पड़ चुका था. ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, कुछ नहीं हासिल हुआ था. ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired.
अब ये कह रहे हैं कि अपने फ्रेंड को लिखो, एक लेटर लिखो और जिसमें ये मेंशन करो कि तुम्हारे तुमसे वो नेकलेस का एक धागा टूट गया है और तुम उसे रिपेयर करोगे। दैट विल गिव अस टाइम, जिसके कारण हम लोगों को टाइम मिल जाएगा कुछ, ताकि इस टाइम में वो नेकलेस रिकवर हो जाए। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा उसको डिक्टेट किया गया वैसा वो लिख दी। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लुइसिल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस चुरत। अब लुइसिल जो थे 5 साल उससे बड़े थे, तो ऑब्वियसली थिंकिंग पावर जो होती है वो व्हेन वी ग्रो अप आवर थिंकिंग पावर ऑल्सो ग्रो अप। तो इस तरह से वो अपने वाइफ को डिक्लेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बात कि हमें उस नेकलेस को रिप्लेस करना चाहिए, रिप्लेस उसके बदले में दूसरा। ओके, इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सिम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। मतलब एक शॉप में गए वो, पैलेस रॉयल शॉप में, ज्वेलरी की शॉप थी, वहाँ पे उन्होंने डायमंड का नेकलेस देखा और वो नेकलेस एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा वो लॉस्ट किए थे। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, और उसका वैल्यू 40,000 francs था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और इन लोगों को वो नेकलेस 36,000 में मिल जाता। लुइसिल पोजेस्ड 18,000 francs विच हिज फादर हैड लेफ्ट, और लुइसिल के पास 18,000 था जो इसके फादर इसके लिए छोड़ के गए थे, मे बी फिक्स डिपोजिट करके गए होंगे। ओके, लेफ्ट ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी के 18,000 इन्होंने दूसरों से बोरो किया। ही मेड रियूनियस प्रोमिसेस, बैड या फिर फॉल प्रोमिसेस, रॉन्ग प्रोमिसेस कहेंगे, गलत लोगों से, सॉरी कि जिससे उन्होंने पैसे लिए उनसे गलत वादे किए, गलत प्रोमिस किए, झूठ मूठ का प्रोमिस किए। टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, जो लोग इंटरेस्ट पे पैसे लगाते हैं उन लोगों से इन्होंने पैसे लिए, उधार लिए। देन दे वेंट to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs, और ये फिर नया नेकलेस लेने गए, मर्चेंट को 36,000 पे किया और वो नेकलेस ले लिया। When Madam Louisel took back the necklace jewels to the Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब वो कह रहे हैं, इसकी फ्रेंड कह रही है फॉरेस्टियर, कि तुमको तो ये जल्दी रिटर्न करना था, हमको ये इसका ज़रूरत था, तुम तो की नहीं। ओके, वी विल स्टार्ट अवर दिस टॉपिक नेक्स्ट डे, टिल हियर वी एंडेड द चैप्टर, पेज नंबर 43। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।